कुमार बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने अभिनय से हर किरदार में जान डाल दी। बेहद कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए संजीव कुमार का आज जन्मदिन है। संजीव कुमार को सबसे ज़्यादा लोग फिल्म शोले के ठाकुर के रोल की वजह से जानते हैं। हालांकि सिर्फ इसी फिल्म में ही नहीं बल्कि बेहतरीन कई फिल्मों में उन्हें याद किया जाता है। संजीव कुमार हमेशा जाने जाएंगे। आज संजीव कुमार के जन्मदिन पर हम उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं। संजीव कुमार का पूरा नाम हीरा भाई जरीवाला था। वे मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। उन्होंने फिल्म नया दिन नई रात फिल्म में 9 रोल किए थे। वही फिल्म कोशिश में उन्होंने गूंगे बहरे व्यक्ति का शानदार अभिनय किया था। उन्हें नेशनल अवार्ड तो मिला ही था, फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार भी मिल चुका है। संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की और महज 47 साल की उम्र में साल 1985 में हार्ट फेल हो जाने की वजह से उनका देहांत हो गया। संजीव कुमार ने साल 1960 से लेकर 1984 तक 25 साल तक फिल्मों में काम किया। उन्होंने कभी शादी नहीं की, हालांकि प्यार उन्हें कई बार हुआ। उनकी शादी ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा अंधविश्वास था। उनके परिवार में बड़े बेटे के 10 साल होने पर पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता और भाई के साथ भी यही हुआ और परिवार के अन्य लोगों के साथ भी यही हुआ। संजीव ने शादी नहीं करने का फैसला किया। संजीव ने अपने मृतक भाई के बेटे को गोद जरूर लिया, मगर उस बच्चे के 10 साल के होते ही संजीव कुमार का भी देहांत हो गया। संजीव कुमार को खाने पीने का बहुत शौक था। वो तरह तरह के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते थे। संजीव कुमार की खासियत थी कि वो कभी भी छोटे रोल करने से हिचकिचाए नहीं। खास बात यह रही कि उन्होंने जया बच्चन के प्रेमी पिता और पति की भूमिकाएं भी निभाई हैं। जब लेखक शलीम खान ने संजीव कुमार से फिल्म त्रिशूल में अपने समकालीन एक्टर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता की भूमिका निभाने को कहा तो वे बेझिझक मान गए और ये भूमिका उन्होंने इतनी अच्छी तरह निभाई कि इस रोल को ही लीड रोल माना गया। 20 साल की उम्र में भी एक बार संजीव कुमार ने बूढ़े आदमी का रोल प्ले किया था।